हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं हितेश पटेल, आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल यूट कॉल पे। तो इसी तरह आपका प्यार देते रहिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। तो आज हम जा रहे हैं सीकेजीएस, जो कॉक्स एंड किंग्स ग्लोबल सर्विसेज, जहाँ पे आपको आपका पासपोर्ट और वीज़ा रिनोवेशन करना है या उसके कैसे प्रोसीजर है वहाँ पे। और अगर आप ऑनलाइन नहीं कर सकते हो तो वहाँ में एक शॉप है, वहाँ पे आप आपके डॉक्यूमेंट्स के किस तरह से आप एप्लीकेशन कर सकते हो, या फोटो चाहिए आपके लिए, जेरोक्स कॉपी चाहिए तो आप वहाँ पे जाके आपके फॉर्म सबमिट कर सकते हो। तो हम आज जाते हैं वहाँ पे, जहाँ पे है और कॉक्स एंड किंग्स ग्लोबल सर्विसेज पासपोर्ट ऑफिस, हमारे इंडियन एम्बेसी का। और एक अच्छी बात है कि हमारे इंडिया का जो पासपोर्ट है वो विद इन 3 डेज में रिन्यू होता है, और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि बहुत सारे जो कंट्रीज़ के हैं उनके 1 महीना 1.5 महीना भी लगता है। तो आपके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि सिर्फ 3 दिन में आपका पासपोर्ट है वो रिन्यू हो जाता है। तो जो एड्रेस है वो है कुवैत सिटी शाक में, बेबानी कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे आपका पासपोर्ट रिन्यू होता है। तो आपको एम्बेसी जाने के, उनका एक सेंटर है जिसका नाम है कॉक्स एंड किंग्स ग्लोबल सर्विसेज, जहाँ पे आपका पासपोर्ट वीज़ा एप्लीकेशन करना है। तो वो है शार्क कुवैत सिटी में और बेबानी कॉम्प्लेक्स। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ और आप मेरे साथ आगे बढ़ते रहिए, और इसी तरह आप आपका चैनल मेरे आपका प्यार मेरे चैनल पर देखे रहिए। मैं आपको तक आप मेरी इन्फॉर्मेशन आपके शेयर करूँगा। कॉक्स एंड किंग्स ग्लोबल सर्विसेज, और वहाँ का टाइमिंग है मॉर्निंग 8 to evening। मेन चीज़ है जो आप मास्क पहनिए, आज के टाइम में जो कोरोना का जो बढ़ता संक्रमण है उसमें हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, डेंजर है थोड़ा। तो आप भी मास्क पहनिए और आपका खबरदार लीजिए, सेहत की खबरदार लीजिए। और चलिए आगे जाते हैं कॉक्स एंड किंग ग्लोबल सर्विसेज कुवैत सिटी शार्क। तो इसके सामने ही है बराबर बेबानी कॉम्प्लेक्स, तो यहीं पे मैं उतरा बराबर बस से। ये है और ये बाजू में NBK बैंक्स। सो अब मैं जा रहा हूँ बिल्कुल ही यहीं पे है शार्क का, ये शार्क का बस स्टॉप्स, और यहीं से मैं जा रहा हूँ बेबानी कॉम्प्लेक्स। और यह है सामने टाइपिंग सेंटर, कॉपी सेंटर आप कर सकते हो, जो मेरे सामने है बेबानी कॉम्प्लेक्स। तो फॉर्म भी भर के शायद बंद है खाना खाने की वजह से, या वैसे तो आप यहाँ पे आ सकते हो, फॉर्म भर सकते हो यहीं पे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे नीचे ही दुकान है, तो यहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हो या फिर यहाँ से फ़ोटो जेरोक्स आपको सब मिल जाएंगे। और मेरे सामने ही है बेबानी कॉम्प्लेक्स। सीकेजीएस है कॉक्स एंड किंग्स। आप क्लोज है तो आप दूसरे दिन आइए और आपका पासपोर्ट एप्लीकेशन सबमिट कीजिए। तो आप देख सकते हो अभी जो सीकेजीएस का जो टाइमिंग है एप्लीकेशंस का, वो है सैटरडे टू थर्सडे 7:30 AM टू 4 PM, फ्राइडे क्लोज। सो यह है डिटेल्स, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। ये है सीकेजीएस अपना जो पासपोर्ट एप्लीकेशन एंड पासपोर्ट एप्लीकेशन वीज़ा एप्लीकेशन, तो आप यहाँ पे आ सकते हो शार्क कुवैत सिटी शार्क में बेबानी कॉम्प्लेक्स। तो जैसे आप बाहर निकलते हो या बेबानी कॉम्प्लेक्स है, तो आपको सामने ही टावर दिखेगा बहुत बड़ा, और ये है बहुत बड़े टावर है। तो सामने ही है शाख में और बराबर उसके सामने ही है ये बेबानी कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे आप आपका पासपोर्ट
रिन्यू कर सकते हो और वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हो शार्क में क्वेश्चन। आपको जब अगर बिल्डिंग के नीचे अगर पेपर वर्क करवाना है फोटो और जेरोस कॉपी तो नीचे है टाइपिंग के लिए। फिलहाल फ्राइडे की वजह से बंद है तो आप दूसरे दिन आके पासपोर्ट रिन्यू कर सकते हो। इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी है यहाँ पे। सो यहाँ पे आपके आप टाइपिंग और जो कुछ आपका काम है सब कर सकते हैं। और उसके सामने अब निकलेंगे तो इसके सामने एक टावर है। आपके पेपर नहीं टावर दिखाया आपको कहाँ पे जाना है, किस तरह से जाना है, कौन सी बस पकड़ के जाना है, तो आपको पूरा एड्रेस मैंने पासपोर्ट रिन्यू का दिया हुआ है कुवैत सिटी का जो CKGS का ऑफिस है। अगर आपको ऑनलाइन नहीं आता है तो आप पासपोर्ट ऑफिस सेंटर है उसके सामने ही बिल्डिंग में नीचे जेरोक्स सेंटर है जहाँ पे आपको हेल्प मिल सकती है। आपको पासपोर्ट का फॉर्म भरना है, आपको कॉपी चाहिए, फोटोज़ भी चाहिए तो तुरंत आपको वहाँ पर मिल जाएगा और आपका एप्लीकेशन वहीं पे फॉरवर्ड किया जाएगा। तो आप उसी टाइम में आपका पासपोर्ट है वो रिन्यू कर सकते हो। तो मैंने पासपोर्ट मैंने अपने वीडियो में उसका डिस्क्रिप्शन में उसके नंबर दिया है, वीडियो में उसका शॉप भी दिखा है एग्जैक्टली आपको कैसे जाना है कहाँ पे जाना है। तो आप वहाँ पे जाइए और जाने के पहले आप वहाँ पे फ़ोन कीजिए, इंक्वायरी कीजिए तो आपको क्या क्या पासपोर्ट रिन्यू के लिए डॉक्यूमेंट लगेंगे और कितने चार्जेस हो गए उसके, तो आपको बहुत ही आसान होगा। और मेरा यही प्रयास रहेगा कि आपको दूसरे कंट्री में तकलीफ ना हो। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आपको पासपोर्ट के लिए पासपोर्ट बनाने के लिए कोई मुश्किल ना हो। तो आप वहाँ पर जाइए और पासपोर्ट आपका रिन्यू कीजिए। विद इन 3 डेज आपका पासपोर्ट रिन्यू हो सकता है। तो आप वहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हो क्या क्या चाहिए पासपोर्ट रिन्यू के लिए। तो जाने के पहले मेरे डिस्क्रिप्शन नंबर है और मैंने वीडियो दिया, आप चेक कीजिए और वहाँ पर आप फ़ोन कीजिए और आपका पासपोर्ट रिन्यू कीजिए। और आपको पसंद आ गया मेरा इसी तरह अगर आपको पसंद आ गया मेरा वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।